चलिए क्लास, अब एक पीएसवी सॉल्व कर लेते हैं। क्लास, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जो एसिटिक एनहाइड्राइड और पिरिडीन का मिक्सचर है वो NH2 ग्रुप के एक्टिवेटिंग इफेक्ट को कम कर देता है, बट कैसे? चलिए क्लास, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये है एनिलीन और हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जब हम इसमें ऐड करते हैं पिरिडीन के प्रेजेंस में एसिटिक एनहाइड्राइड, तो हमें एसिटैनिलाइड मिलता है, जिसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्लास, ये तो हम जानते ही हैं कि एनिलीन में जो फिनाइल रिंग है वो NH2 ग्रुप के प्लस M इफेक्ट के कारण बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब क्लास, यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड बना है यानी कि एसिटैनिलाइड, तो N के लोन पेयर के थ्रू यहाँ पर भी हमें प्लस M इफेक्ट देखने को मिलना चाहिए, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर्स, ये यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि क्लास N के साथ अब H नहीं जुड़ा है, इसके साथ जुड़ा हुआ है एक ऐसा कार्बन जो फर्दर एक बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है। तो इसीलिए नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स हैं वो रिंग की तरफ आने की बजाय कार्बन की तरफ मूव होते हैं, क्योंकि कार्बन पर लगा हुआ ऑक्सीजन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है और इस तरह से हमको मिलता है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो क्लास, देखा आपने कि अब जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं वो रिंग की तरफ बहुत कम अवेलेबल हैं, उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ गई है कार्बन की तरफ जो कि डबल बॉन्ड ओ से जुड़ा हुआ है। और क्लास, इसी वजह से अब जो रिंग है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड नहीं है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या हम यूं कहें कि अब NH2 का जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट था वो बहुत कम हो चुका है या डिक्रीज हो चुका है, और इसीलिए अब हमें मेजरली पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही मिलता है।